नमस्कार। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी मिट्टी ले आओ। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी मिट्टी ले आओ और उसके दो बुत बनवाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो, फिर से मिट्टी गूंथ लो, फिर से उसके दो बुत बना लो, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। तुम में कुछ मैं रह जाऊं, मुझ में कुछ तुम रह जाओ। गुलजार साहब, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने माने एक्टर, ही रेनाउंड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा से उनका गहरा नाता है। ही इज एविड एडुकेशनिस्ट, ही इज मीडिया कम्युनिकेटर एंड बहुत सारे सम्मानों से उनको नवाजा गया है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी वो सम्मानित है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमिताभ श्रीवास्तव सर का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्ते काजल, तुम्हें तो बहुत ज्यादा तारीफ कर नमस्ते दी सर। मेरी। नमस्ते। सर हमारे साथ बहुत एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का वेलकम कहूंगी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार, आकाशवाणी, रंगमंच, टेलीविजन, सिनेमा की। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिपिन उत्सल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लद्दाख से, लद्दाख में वाह रंगमंच करने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं उनका। निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लिखती है मीटिंग आफ्टर अ गैप। बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही होगा, जो आपका सफर रहा है कला के क्षेत्र में, नहीं, मैं चाहूंगी कि हम भी इसका हिस्सा बने। आप लोग तो खैर उसका हिस्सा बन ही जाते हैं। पहले तो भाई, यानी कि निरुपमा जी मुझे हेलो कर रही हैं और बहुत पुरानी दोस्त है, मीपम बहुत पुराना दोस्त है, सुचित्रा जी, अरे वाह, अनीस आजमी भी कह रहे हैं, तो यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं, सबको मेरा नमस्कार, हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज ये रूबरू के इस प्रोग्राम में, शख्सियत में, हमें यार हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और एक तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा काजल आपका कि आपने हाँ मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मैं सर, देखता रहा हूँ ये प्रोग्राम। मैं तुम्हारा, क्योंकि तुम कहता हूँ काजल को, तो मैं उसी तरीके से, जी तो जी सर, जी बड़ा सर, नकली लगेगा मैं आप करूंगा। तो नहीं सर, आप मुझे जो कहती हो वही कहिए। ये जो है कि मैं देखता रहा हूँ बीच बीच में, मैं ये तुम्हारा शख्सियत का जो प्रोग्राम है, जी सर, और बड़ा अच्छा भी लगता रहा, और यानी कि इच्छा भी होती थी आने की, लेकिन डर भी लगता था कि भाई, मैं तो एक तो मैं बहुत ज्यादा ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, और प्रिविलेज पर थैंक यू वेरी मच कि मैं प्रिविलेज यहाँ सर, पर आया हूँ आज, प्रिविलेज और इतने सारे अपने पुराने यार दोस्त सब जो हैं साथ में हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो काजल, आपने कहा कि ये जो मेरा रंगमंच का सफर है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं। देखिए, मेरा रंगमंच का सफर तो अच्छा, मैं ये बात कहने वाला था कि लाइट शायद जा सकती है बीच में, सर। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसा अंधेरे में मैं दिखता रहूंगा, मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ सर, दिख रहे हैं आप, रोशनी का दिख रहे हैं कुछ सर, दिख रहे हैं आप, हमें दिख रहे हैं सर, जी दिख रहा है ना। बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो, मेरे पत्नी और बेटी भी अपने अपने फोन के साथ आ गई हैं इस मुहिम में साथ देने के लिए। तो थिएटर में भी इसी तरह की स्ट्रगल चलती रहती है, जैसे कि अभी यहाँ पर इस वक्त हुई कि सडनली लाइट चली गई। जी सर, तो रंगमंच में भी कभी कभी किसी भी वक्त पे ऐसी समस्या, मुसीबत आती है, और जिसके लिए हमेशा हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए अगर आप बिल्कुल असली वाकई में रंगकर्मी हैं, कि यस बहुत तरह की समस्याएं आती हैं जिंदगी में, थिएटर में काम करने में, उनसे उनको कैसे टैकल करना है। नमस्कार अवतार भाई, कैसे उनसे आपको जूझना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना होता है। और श्याम सुंदर भी राम राम कर रहे हैं, राम राम श्याम सुंदर। तो खैर, ये तो तुम बताती रहोगी कौन कौन आ रहा है बीच में, मैं क्यों जी इधर सर, ध्यान दूं। तो नहीं मैं नहीं कह सर, रहा आप था भी मेरा बोल नहीं, सकते हैं, अच्छा नाम आ जा लगेगा रहा है आप सामने। बोलेंगे तो सर, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा सर। ये जो है मेरा करीब 71 में, तो कितने साल हो गए, 29 साल उधर, और करीब 49 ईयर्स अब हो रहे हैं मेरे ख्याल जी से। हाँ, 49 ईयर्स हो रहे हैं इस यात्रा को शुरू हुए, और इलाहाबाद से
मैंने शुरुआत की थी, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ बेसिकली, और हालांकि दिल्ली में रहते हुए अभी 76 में आया था, तो लगभग 44 साल हो रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि मैं इलाहाबाद से बस काम करने के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ, और जब काम हो जाएगा पूरा, अपना रिटायरमेंट लूंगा, तो वापस इलाहाबाद जा करके वहीं अपने शहर में रहूंगा। तो खैर, तो इलाहाबाद से शुरुआत हुई थी और 76 में मैं दिल्ली NSD में आया। अभी मेरे मित्र और कजिन हैं नवीन राजवेदी, वो भी आए हैं, उनका नाम दिखाई दिया मुझे, जी सर, जी सर, और यहीं पे उन्हीं के घर पे मैं रहता था, खैबर पास में दिल्ली में, और NSD जाता था बस से, और 3 साल NSD किया, उसके बाद से थिएटर कर रहा हूँ। तो इस तरह की थिएटर किया है, थोड़ा बहुत टेलीविजन और सिनेमा में जब मौका मिला तो वहां पे भी हाथ आजमाने की कोशिश की। तो ये इस तरह का मेरा सफर रहा है ना। अब तुम्हारा जो सवाल है कि मेरे सफर में शामिल होना चाहते हो, तो और कितना शामिल होना चाहते हो ये बताओ। खास तौर पे सर, जिस तरह से मैंने आपसे पहले कहा था, जो हमारा शो है इसका मकसद ये ही है कि जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं, जिस तरह से आजकल मायूसी भरा आलम चल रहा है, तो एक तरह से जो कि कला का रास्ता वो समझते हैं कि कला बहुत ग्लैमरस है, इसका रास्ता बहुत आसान है, बहुत ग्लैमरस है, देखने में लगता भी है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत अथक मेहनत और साधना की जरूरत होती है। तो यही मकसद है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज आती हैं और जिस मकाम पर आ जाए उसके पीछे उन्होंने कितनी तपस्या की है, साधना की है, तो वो जर्नी जो हम उससे वो इंस्पायर हो सके, न्यू परफॉर्मर, न्यू जनरेशन, तो ये मकसद है इस शो का। तो आपने कहा कि आप एनएसटी से, एनएसटी में आप स्टूडेंट रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने जी तालीम हासिल जी की रंगमंच की, हाँ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एज अ स्टूडेंट जो आपकी यादें हैं, हम चाहेंगे कि हम भी उसका हम आप चाहेंगे कि आप उनको शेयर करें, कुछ खास यादें। अच्छा, वैसे तो खैर बहुत सारी यादें हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जी उस जमाने की, जी और कल का भी मैं देख रहा था एपिसोड, जी हमारी बैचमेट और मेरी बहुत अच्छी दोस्त गोपी देसाई कल जी उसमें शामिल थी, जी और गोपी ने भी कुछ किस्से वो बता रही, बयान किए थे उसमें। जी उसने एक बताया था एक प्ले दांतों डेथ का, जहां पे उसकी स्कर्ट पे किसी ने पांव रखा था और वो रो रही थी, और रोटी उसका एक, यानी कि एक ये जो प्ले था जर्मन नाटककार जॉर्ज ब्यूखनर का दांतों डेथ, फ्रेंच रिवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था, और उसमें जो है ये एक जो सेट था, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जो रविंद्र भवन में मेघदूत थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, वो देखा जी हुआ है। उसमें अगर आप जी ऑडियंस में बैठे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक पत्थर का, ईंटों का एक छोटा सा एक वो बना हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें आर्च वगैरह है। तो उसमें जो है, चलो लाइट आ गई तो इसको तो ऑफ किया जाए फिलहाल। जी बिल्कुल तो उसमें क्या था कि वो जो स्ट्रक्चर है ईंटों का बना हुआ, मेरे ख्याल से 7-8 फीट तो उसकी हाइट होगी ही, तो उसके ऊपर गिलोटीन, एक फांसी या गर्दन काटने का एक क्या कहेंगे उपक्रम होता था, जिससे कि उस जमाने में फांसी की या किसी को भी मौत की सजा दी जाती थी, फांसी नहीं मौत की सजा दी जी जाती थी, कि उसमें एक बड़ा सा लकड़ी का फ्रेम होता था करीब 10 फीट, 8-10 फीट की हाइट का, और उसमें एक जी लोहे का ब्लेड लगा होता था, और नीचे जिस आदमी को मारना है उसकी गर्दन एक खांचा बना था उसमें रख दी गई, और ऊपर से वो ब्लेड वो फड़फड़ाता हुआ आता था, सर से उसकी गर्दन काटता था। तो दांतों डेथ का जो प्ले का क्लाइमेक्स वो ये है कि ये जितने दांतों और उसके सब साथी हैं रिवोल्यूशनरी पकड़े गए हैं, उनको सबको फांसी, उनको एक गला काटा जा रहा है, उनको मौत की सजा दी गई है, और जनता जो है जो उसके साथ थी वो उनके खून की प्यासी है, और वो उनके उस पे हर एक की मौत पे बहुत जश्न मना रही है, बहुत खुश हो रही है। तो ये प्ले का एंड था, जी और हम लोग ओपन एयर में रिहर्सल हो रही थी, ग्रैंड रिहर्सल चल रही थी शो से एक दिन पहले, और उससे एक दिन पहले जब रिहर्सल हुई थी तो उसमें होता था कि हम लोग सब क्राउड में होते थे, जैसा बताया गोपी ने, फर्स्ट ईयर में क्राउड में ही काम करने को मिलता था, जी तो हम लोग कहते कि खूब खुशी में उछल रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और वो एक लाया जा रहा है, उसका गर्दन सर काटा जा रहा है। तो अलकाई साहब ने कहा था ग्रैंड रिहर्सल से एक दिन पहले कि
कि भाई जरा संभल के, ये पुराना थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया है, तो आप लोग जोश दिखाने की एक्टिंग करिए, पर वाकई उस पर बहुत उछलिए नहीं। लेकिन जब ग्रैंड रिहर्सल रन थ्रू हुआ तो उस वक्त सब भूल गए, और उसमें जोश में जो उछले तो मालूम चला कि जो प्लेटफॉर्म था उस स्ट्रक्चर में ऊपर, पहले तो वो प्लेटफॉर्म गिरा, उसपे बैठे हुए चढ़े हुए जितने लोग थे वो गिरे, और उनके ऊपर वो गिलोटीन का जो बना हुआ स्ट्रक्चर था वो आकर के गिरा। गॉड और अलकाजी साहब बैठे हुए थे सामने ऑडिटोरियम में, रिहर्सल चल रही थी, और भी कुछ लोग बैठे होंगे, और वो तो बहुत कस के चिल्लाए होल्ड, पर होल्ड क्या हो सकता है वहां तो जो है। तो पर यानी कि सबको लगा था कि आज कोई बहुत भयानक हादसा हुआ है, और कम से कम अगर कुछ लोगों की मृत्यु नहीं हुई तो 3-4-5 लोगों की हड्डियां तो जरूर टूटी होंगी। लेकिन लकीली क्या होता कि वो प्लेटफॉर्म जो था, जो स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ था, वो ऐसे धीमे धीमे ऐसे हुआ था, तो सब स्लाइड करके नीचे गए थे, तो गिरे थे, दूसरे गिरे थे, तो किसी को भी बहुत सीरियस चोट नहीं आई। नहीं आई। और ये यानी कि हमको अभी तक याद है कि जैसे मैं भी था, सबके पास अलकाजी साहब आए, हर एक से पूछा आपको लेके जाना है हॉस्पिटल, और कुछ लोगों को लेके ले जाया भी गया हॉस्पिटल की कहीं कोई, लेकिन किसी को कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई ऐसी चोट नहीं थी। और कमाल ये है कि उसके बाद जो हमारे कारपेंट्री के टीचर भी थे, गुरुजी तरसेम लाल जी, जी जी उन्होंने रातों रात और अगले दिन वो दोबारा से सेट तैयार किया, और नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस उसी तरीके से हुआ, बस उसमें मैं हिस्सा नहीं ले पाया जितनी रिहर्सल की थी उस क्राउड सीन में सब करने की, क्योंकि मेरे घुटने में चोट आई थी, और मैं यानी फ्रैक्चर नहीं था लेकिन लंगड़ा रहा था, तो उसकी वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो मुझे निकाल के बाहर कर दिया गया और कहा गया कि ठीक है आप FOH में, नी फ्रंट ऑफ हाउस में हेल्प करिए, अर्शरिंग में। तो अर्शरिंग में मुश्किल से मैं बस ब्रोशर बांटने का काम दे दिया गया कि एक जगह पे बैठ के या खड़े होके जो ऑडियंस आ रही है उनको आप ब्रोशर देंगे। तो ये एक ऐसा वाकया था कि जब हम लोग को भी लगा था कि पता नहीं क्या क्या हादसा हुआ है, कल शो कैसे होगा क्या होगा, यानी कि हम लोगों ने करीब 1.5-2 महीने उसकी बहुत रिहर्सल्स हुई थी, बहुत मेहनत की थी, तैयार किया था। लेकिन जब अगली अगले दिन शो हुआ तो बात वही भी जैसे निरुपमा ने लिखा है कि थिएटर वन, तो हाँ थिएटर वन, कि शो मस्ट गो ऑन। तो यस ये जो एक जो बात अभी हम कर रहे थे कि लाइट चली गई तो भी हम आपको अपना अपना प्रोग्राम हमको जारी रखना है जिस तरीके से भी, तो उसी की एक जो कोशिश है कि हमें बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कई चीजें जो आपने नहीं सोची समझी होती है, अनफोर्सीन, जी और लेकिन आपको हर तरह के उसके लिए तैयार रहना होगा। और जैसा कि काजल तुमने कहा कि हाँ इसका ग्लैमर अट्रैक्ट करता है, और लेकिन जब आप वाकई में इस फील्ड में आते हैं तब समझ में आता है कि इसमें कितनी मेहनत है, यानी कि जो स्टेज के ऊपर जो आपको चकाचौंध, जो ग्लैमर, जो सब कुछ दिखाई देता है, कई बार बहुत सब चीजें खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो आपकी जो रगड़ाई की जाती है, जो आपको तैयारी करनी होती है, और उसमें यानी कि जो ऐसे कुछ डायरेक्टर, कई सारे ऐसे डायरेक्टर थे कि जो आपको बहुत डांटते भी थे, बहुत बुरी तरीके से डांटते थे, आपको महसूस करते थे कि आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको उस सब चीजों को यानी कि आपके अंदर उतनी एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि आप उन चीजों को सुने समझें, और आपको जो कहा जा रहा है उसमें कहां पे आप गलत हो रहे हैं, कहां पे आप गलती हो रही है उसको समझें, क्योंकि अगर कोई बता रहा है तो आपके बेहतरी के लिए बताया जा रहा है। तो ये सारा आपको इससे मशक्कत से गुजरना होता है। तो वैसे बहुत सारे किस्से, यानी कि जिससे मुझे जुड़ा एक और किस्सा याद आया कि हम लोग पढ़ते थे सेकेंड ईयर में NSD में, और मैंने किस्सा बहुत जगह बहुत बार सुनाया है, तो
तो हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर जो इस वक्त हों, उन्होंने सुना हुआ हो पहले भी कि रंजीत कपूर एनएसडी रेपेट्री कंपनी के लिए प्ले कर रहे थे बेगम का तकिया। ये पंडित आनंद कुमार के उपन्यास पर आधारित था और वहीं उसी मेघदूत थिएटर में हो रहा था। और हम लोग तब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे एनएसडी में, और उस वक्त कोई डायरेक्टर नहीं था, अलकाजी साहब चले गए थे छोड़ के और कारण जी ने तब तक ज्वाइन नहीं किया था, तो क्लासेस वगैरह ऐसे ही चल रही थी। तो उसमें उनको कुछ लोग चाहिए थे, देखिए डॉली आ गई, डॉली भी थी उसमें, कोरस में गाना गाते थे हम लोग उस शो में बेगम का तकिया के, उस वक्त जब स्टूडेंट थे, हाय डॉल्स। तो हम लोगों को कोरस के लिए ले लिया गया गाने के लिए, और पहला शो प्ले का हो रहा है बेगम का तकिया का, ओपन एयर में चल रहा है, और आधा पौन घंटा नाटक चला होगा कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, और बारिश ऐसी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और अब हम लोग तो यानी कि बैठे हुए, रंजीत कपूर जो नाटक के निर्देशक है वो भी साथ में बैठे, हम लोग पूछ रहे हैं कि रंजीत भाई अब क्या। बोले यार ऑडियंस बैठी हुई है, बारिश हो रही है, हाउसफुल था शो और शायद ऑडियंस ओवरपैक्ड ही रहा होगा, पर ऐसा कमाल का प्ले था और ऐसा ऑडियंस को उसने बांधा हुआ था उस नाटक ने उस वक्त। हाय नूतन, देखो नूतन भी आ गए, सब लोग हमारे बैचमेट आ रहे हैं और सब उस प्ले में शामिल थे, उन शोज में शामिल थे। तो इन सबको याद होगा, मुझे उम्मीद है, कि बारिश हो रही है, नाटक चल रहा है, ऑडियंस बैठी हुई, ऑडियंस उठ के नहीं जा रही है। तो ये थिएटर की ताकत भी दिखाता है कि थिएटर में कितनी ताकत है, कैसे वो ऑडियंस को बांध सकता है, पकड़ सकता है कि बात आपको, कि जो नेचर की ऐसी कोई फ्यूरी या जो है बारिश, वो भी आपको उठने नहीं दे रही है। आखिर में जब 15-20-25 मिनट हो गए, बारिश लगातार चल रही है, तो रंजीत भाई उठ के गए कोरस में से पीछे बैक स्टेज में, मनोहर सिंह रेपेट्री चीफ थे, और उनसे जो भी बात की होगी होगा। कुछ देर बाद मनोहर भाई स्टेज पर आए, क्योंकि अगला जब एक सीन खत्म हुआ तो अगला सीन शुरू होने की बजाय हम तो अपना तैयार बैठे थे कि अगला सीन शुरू होगा, कुछ गाना वाना जो भी होगा तब तक, और बस बजे हम लोग भी भीग रहे हैं बैठे हुए। तो सीन नहीं शुरू हुआ, मनोहर भाई आए स्टेज पर और उन्होंने हाथ जोड़ा, हेलो देवेंद्र भाई साहब कैसे हैं आप। तो बोले कि उन्होंने ऑडियंस से कहा, आप जीते हम हारे, क्या बात, क्या हम चाह बात, रहे थे कि आप लोग उठ के जाना शुरू करें तो हम नाटक का शो बंद करें, लेकिन आप लोग जा नहीं रहे हैं और हमको मजबूरी में, हम नहीं चाहते कि हम शो बंद करें, आप लोग प्ले वाह देख रहे हैं, चाहते प्ले करें, लेकिन ये ओपन एयर है, यहाँ पर बिजली के तार फैले हुए हैं, बारिश हो रही है, कहीं कोई तार गीला है, कहीं कोई हादसा हो जाए, किसी को करंट लग जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए हम इस शो को बंद कर रहे हैं, और आप लोग अपने जो टिकट्स हैं, सीट कार्ड अपने पास संभाल कर रखिए, इस नाटक के अगले 10 दिन तक शो है। और देखो अनीस भाई ने उसको 26 बार देखा, अनीस आजमी ने उस नाटक को, तो आप लोग कभी भी आइए। तो ये इस तरह के जो अनुभव होते हैं थिएटर के, वो आपको रोमांचित तो करते ही हैं, उसके अंदर जो है आपका जो विश्वास भी पैदा करते हैं। तो इस तरह की और भी कई सारे, बहुत सारे कितनी बातें यादें बताएं, बहुत ही खूबसूरत है और तो निरुपमा जी लिखते बोलो। हैं। जी, निरुपमा जी लिखते हैं, विल नेवर फॉरगेट दिस प्लेस टिल फ्रेश इन माय माइंड, वो बारिश के दिन भी याद आ गई। और एज एन ऑडियंस बहुत सारे व्यूअर्स हमारे से जुड़ी हैं, मैं उनको सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। अनीस सर का बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र नारायण सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, निरुपमा वर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नूतन सूर्या जी मैम बहुत वेलकम, सुरेंद्र गोयल जी हमारे से जम्मू से जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अशोक भौमिक जी हमारे से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता तिवारी उपाध्याय हमारे से जुड़ी हैं, क्लासिकल वोकल सिंगर
है एंड प्रोफेसर है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉली मैम का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता हमारे साथ जुड़ी है, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार साहनी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी है, लिखती है कि इलाहाबाद के दिन याद आ गए, लिखती है बॉबी भाई। और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी है, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ शिलोंग से जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नवीन राजवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद वहीद जिलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, टॉप ग्रेड आकाशवाणी के क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद वहीद जिलानी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर लोन साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीके हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी है, टेलीविजन रंगमंच से उनका जुड़ाव, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर बेहतरीन रंगकर्मी है और आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी नाटकों से उनका जुड़ाव और रंगमंच से जुड़ी हैं। आसिफ जहीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं सभी एस्टीम व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस शो में, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मिथुन जी लिखते हैं, काजल जी प्लीज आस्क अमिताभ जी अबाउट बॉबी जी, इज इट निकनेम और इट इज इट तखल्लुस। एक तो दीपम नमस्कार, क्या हाल है भाई? बढ़िया, मजे में होगे तुम? लद्दाख में तो बहुत ठंड पड़ रही होगी इस वक्त। और ये मेरा तखल्लुस नहीं है बॉबी, जो एक घर में नाम रख दिया जाता है उसको आप पेट नेम कहें, निक नेम कहें। तो मेरा जो है घर का नाम बॉबी रख दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि जब मेरा जिस वक्त जन्म हुआ तो ये अपना बॉबी सिम्पसन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और बहुत उनका जलवा था, बड़े यानी कि अच्छे रहे होंगे। मैं तो मेरा क्रिकेट में उतना दखल है नहीं, पर मेरे मामा जी जो है वो बहुत क्रिकेट के शौकीन थे और मेरा जन्म हुआ है जबलपुर में, तो वो जबलपुर की टीम से खेलते भी थे और काफी क्रिकेट वगैरह में करता। तो उन्होंने मेरा नाम बॉबी सिम्पसन की तर्ज पे बॉबी रखा हुआ था, बॉबी तो वही बॉबी जो है अब एनएसडी में भी आकर के सब लोगों को मालूम चल गया, तो सब मुझे बॉबी कहने लग गए, तो तखल्लुस नहीं है। और सरिता मुझे नमस्ते कह दी, सरिता को भी मैं हेलो कहना चाहूंगा, सरिता हुसैन जी, और सुचित्रा जी को सलाम। हाँ बेगम का तकिया वाकई बहुत बेहतरीन नाटक था और बहुत सारे वाहिद जिलानी साहब का गाना सुना था परसों, बहुत मजा आया था। अभी आलोक श्रीवास्तव जुड़े हैं, मेरे छोटे भाई हैं इलाहाबाद से, तो यानी कि सारे साथियों को जो जुड़ रहे हैं, कईयों को मैं जानता हूँ कईयों को नहीं जानता हूँ, सभी को मेरा सलाम है, प्यार है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, मजा आ रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारती रैना जी कश्मीर से जुड़ी हैं हमारे साथ, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, जम्मू कश्मीर के रंगमंच टेलीविजन और ओरिजिनल मूवीज की बिग बोर्ड पर बहुत बड़ा नाम। शबीर मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र के। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इन सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि मैं इस वक्त भद्रवाह में शूटिंग कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भद्रवाह से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी मैं सभी का। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना काम किया, आपने इतने नाटक किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ आपको बहुत, जहाँ की ऑडियंस आपको बहुत अच्छी लगी हो, या कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखो क्या है कि ऑडियंस हर जगह की बहुत अच्छी होती है जी, और यानी कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान में कई शहरों में गए हैं, कई जगह परफॉर्म किया है, कुछ बाहर भी गए, बहुत ज्यादा तो नहीं गए बाहर, लाहौर जाना हुआ 2-3 बार, वहां पे खुतब पीर पीर रजा फेस्टिवल होता था मेरे ख्याल से, मैं नाम भी, और पीर रजा फेस्टिवल होता था वो, उसमें गए हैं। रेपेट्रिक एक बार टूर पे गए थे हम लोग, डॉली नूतन हम लोग सब लोग साथ गए थे, पोलैंड जर्मनी और इंग्लैंड गए थे। तो
और रेपेट्री के साथ जब थे तो बहुत टूर किया, पूरे मध्य प्रदेश का हम लोगों ने एक टूर किया था। वो टूर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टूर था कि वो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसने ऑर्गेनाइज कराया था, और जहां जहां उनके पावर हाउस या पावर स्टेशन थे तो हम लोग कई बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी, तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही हुआ करते थे, तो छत्तीसगढ़ में भी कई बहुत ही छोटी जगहों पे गंगा सागर डैम था, वहां पे जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ परफॉर्म किया। और अक्सर जो है वहां पर ओपन एयर में उन्होंने, यानी कि पहले से काफी लंबे समय से उसकी तैयारी चल रही थी, 5-6 महीने से। तो हम लोग के रेपेट्री कंपनी में मराठे साहब थे, जीएस मराठे साहब, वो गए थे और सब जगह जहां जहां पे स्टेज नहीं था वहां पे वो डायमेंशंस दे के आए थे, सब जगह स्टेज बना था ओपन में। और 8-8 हजार उन्होंने सब जगह, आसपास गांव थे तो उन्होंने गांव में अनाउंस कर दिया था कि इस दिन नाटक होगा। और यही बेगम का तकिया और सैया भाई कोतवाल, मेनली सैया भाई कोतवाल मराठी तमाशा स्टाइल का नाटक जी था, बहुत कमाल की कॉमेडी। तो जी और उसमें नूतन रोल करती थी मैनावती का। तो ये दो शो प्ले हम लोग ज्यादातर सब जगह पे कर किए थे हम लोगों ने। और 8 हजार की ऑडियंस, गांव के लोग आए हुए हैं और वो देख रहे हैं प्ले, उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं और वो इतना उस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो वो टूर का अपना जो एक अनुभव था, करीब 40 दिनों का वो टूर था। तो ऐसे हम लोगों ने कर्नाटक का टूर किया रेपेट्री कंपनी के साथ, गुवाहाटी गए, गोवा का टूर किया, तो इस तरह के बहुत सारे टूर्स किए। हर जगह की ऑडियंस यानी कि अच्छी ही होती है, नाटक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नाटक बिल्कुल अच्छा है तो ऑडियंस एंजॉय करेगी, अगर आपका नाटक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो अच्छी से अच्छी ऑडियंस भी जो है वो उखड़ तो जाएगी ही, है ना। जी तो बिल्कुल इसलिए काम आपका अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होगा तो ऑडियंस, मैंने बताया कि बेगम का तकिया का शो था, ऑडियंस बैठी रही, तो बिल्कुल वो जो है बिल्कुल। बहुत आसिफ जहीर साहब लिखते हैं कि अमिताभ सर, थिएटर में जबान की कितनी अहमियत है। मेरे ख्याल से यानी कि जबान की तो बहुत ज्यादा अहमियत है। और हमारा जो थिएटर रहा है, वैसे काफी बदलाव आए हैं थिएटर में, बदलाव आने भी चाहिए, आते रहते हैं, कोई भी चीज तभी जिंदा रहती है जब उसमें बदलाव आते रहे, तो जी बदलाव बहुत जरूरी चीज है। लेकिन जो हमारे थिएटर का बेस रहा है वो हमेशा से संवाद प्रधान रहा है ना, डायलॉग ओरिएंटेड थिएटर रहा है। और जब आपका डायलॉग ओरिएंटेड थिएटर होगा तो उसमें स्पीच का जो है बहुत काम होता है, और स्पीच के लिए आपकी जुबान जो है, मेरे ख्याल से जुबान का मतलब इससे ही है कि भाषा से, लैंग्वेज से है ना, भाषा भाषा तो जुबान जो है आपको, यानी कि जुबान अच्छी आनी चाहिए। जब मैं एनएसडी में आया था, ये भी ये मेरी एक अनुभव का हिस्सा है, मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, मालूम चला कि मेरा एडमिशन जब हो गया एनएसडी में, तो उसके बाद सुनने में आया कि एडमिशन तो हो गया लेकिन मेरे बारे में एक कमेंट था कि इनका तलफ्फुज बहुत खराब है। तो मैंने तो पहली बार तलफ्फुज शब्द सुना, मैंने कहा भाई तलफ्फुज क्या होता है ये, तो बोले उच्चारण, आपका उर्दू का उच्चारण जो है वो बहुत खराब है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने, अच्छा उस जमाने में अलकाजी साहब के जमाने में एक तो ऐसे नाटक भी होते थे, चाहे दांतोस डेथी था, हिंदुस्तानी जुबान में था, काफी उर्दू के शब्द थे, या उन्होंने बिच्छू किया, तो हजरत आवारा का मेरे ख्याल से वो रूपांतर था, तो उसमें भी खूब उर्दू, तोगलक हो रहा है तो उसमें भी उर्दू, कई सारे उन्होंने हम लोग को क्लास से पढ़ाया, हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा, तो उसका भी जो जे जे एन कौशल का अनुवाद था, ट्रांसलेशन था, तर्जुमा जिसे कहते हैं उर्दू में, तो उसमें भी बहुत, एडिपस प्ले कर रहे हैं तो उसमें भी उर्दू। तो कोशिश होती थी कि भाई आपको जो भी, बहुत सारे मुझे आश्चर्य हुआ कि यार बगल में भी नुक्ता होता है और चाकू में भी नुक्ता होता है, तो इस तरह की चीजें जो है जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो कोशिश की कि जहां तक हो सके कि आप, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसकी, उसको जबान सही आनी चाहिए, वो जो भी भाषा बोल रहा है उसमें सही, देखो प्रतिमा आई है, ये तो एक्सपर्ट है इसकी जुबान की, बिल्कुल
माला जी स्पीच के एक्सपर्ट है प्रतिमा, तो आपको यानी कि आपको हिंदी, आपको उर्दू, आपको अंग्रेजी, जो भी आप भाषा बोल रहे हैं, आपको उसमें क्या है, सही उच्चारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसको आप गलत बोलना है वो आप बाद में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही नहीं पता है तो आप फिर गलत नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। फिर उसके अलावा यानी कि स्पीच की जो बाकी चीजें हैं, मॉड्यूलेशन, वेरिएशन वगैरह, स्ट्रेसेस वगैरह, सारे उसके डिटेल हैं, जिसपे एक अगर आप एक्टर हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कि बहुत लोग इससे एग्री करें ना करें, कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर एक्टर का है तो उसमें स्पीच पे बहुत जोर देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लगभग 40% अगर नहीं तो वो उसका हिस्सा होना चाहिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये मेरा मानना है। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ नौरीन शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रतिमा कनन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं हमारे साथ, फैशन डिजाइनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माला नीरज जी हमारे साथ जुड़ी हैं आकाशवाणी के नाटकों से, और रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम रहा है उनका। माला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नीरज सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, बॉबी भाई इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर, बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया नीरज, थैंक यू कहना भाई, अच्छा लग रहा तुम्हें देख करके, इतने दिनों बाद फोटो दिख रही है। चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अनीस आजमी सर ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है, लिखते हैं, बॉबी डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन थिएटर डॉक्यूमेंटेशन, ही विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, एनएसटी में जो रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रोग्राम में आपकी जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसको बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा हमें जरूर बताए, खासतौर पे जो एनएसटी देखो से नहीं है उनको पता चले थोड़ा सा। यानी कि ऐसा है कि चीजें, कुछ चीजें आपके साथ एक्सीडेंटली हो जाती हैं। जी तो हुआ क्या कि जैसे मेरा राइटिंग में भी आना अपने आप में एक एक्सीडेंट, या किस तरीके से पहुंच गया राइटिंग में, काम में पहुंच गया। तो मैंने जब यानी कि अपना काम यानी कि एनएसडी से पास किया 79 में, तो एक जी साल तो रेपेटरी कंपनी में अप्रेंटिसशिप मिली, अप्रेंटिस फेलो रहे। फिर जी मैंने कुछ तय कर लिया था कि बढ़िया है नॉरेन, बढ़िया है, नमस्कार, मनोज को मेरा हेलो कहना। तो मैंने तय किया कि मैं रेपेटरी कंपनी में एज एन आर्टिस्ट ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा, चांस की बात ये थी कि उस वक्त उसका एक बड़ा हिट प्ले था मुख्यमंत्री, जी एनएसडी रेपेटरी कंपनी का। बहुत सारे पुराने हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने उन्होंने जरूर देखा होगा प्ले, कमाल का प्ले था वो भी। तो उसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल गया था, मुख्यमंत्री के सबसे छोटे बेटे चंद्र प्रसाद का। तो जी जी उसके शो होते रहते थे अक्सर, वो वीकेंड में लगता था, हफ्ते यानी कि सैटरडे को एक शो, संडे को दो शो। तो मैंने सोचा कि मैं रेपेट्री में बजाय ज्वाइन करने के एज रेगुलर आर्टिस्ट, मैं इस कैजुअल आर्टिस्ट रहूंगा, तो इस प्ले के शो होते रहेंगे, मेरा जो है फ्रीलांसिंग चलती रहेगी, मैं फ्रीलांस करूंगा। जी तो मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। जी अब फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और 82 तक तो वो भी प्ले के भी शो चलते रहे, मैं भी काम करता रहा। फिर धीरे 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 मैंने कहा कि मैं निकलता हूं बाहर, रेपेट्री छोड़ दी। अब आपका जो है एक्टर के लिए अभी भी थिएटर में बहुत मुश्किल है, और जमाने में तो बहुत मुश्किल था थिएटर में सरवाइव करना, सिर्फ एक्टर एक्टर को पैसे मिलते ही नहीं थे। तो कुछ ना कुछ काम और चाहिए होता था। तो बजाज साहब हम लोग के सीनियर हैं, एनएसडी में प्रोफेसर रहे, डायरेक्टर रहे, रामगोपाल बजाज सर। तो जी। वो उस वक्त ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर थे एनएसडी में, और कीर्ति जैन जी वो भी हमारी सीनियर है, टीचर वहां पढ़ाती थी। तो उन्होंने शायद, उनको था कि जो एनएसडी लाइब्रेरी में कई सारी किताबें हैं, मैगजीन्स हैं थिएटर के ऊपर, जिनमें मुख्य इसके मॉडर्न इंडियन ड्रामा जो है उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें, सामग्री है, लेकिन वो हमारे पास उस तरीके से। तो अगर उनका ये था कि आइडिया कोई आदमी उसको बैठ करके और उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार करे, कि मान लीजिए कि नटरंग का जो 5वां इशू है उसमें आषाढ़ का एक दिन के बारे में 3-4 आर्टिकल हैं, जो ये छायानट मैगजीन है उसमें आषाढ़, यानी कि इस तरीके से
कहाँ पर क्या मटेरियल है, इसको कहीं बन सके कि इस प्लेराइट के ऊपर इस जगह पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, इन मैगजीन्स में, इन बुक्स में, इस प्रोडक्शन किया, इस नाटक के बारे में आपको जो प्ले स्क्रिप्ट है इसके बारे में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, कोई डायरेक्टर इस तरह का। तो उसके लिए उन्हें कोई व्यक्ति चाहिए था जो कर सके तो बहुत अच्छा हो। मैं काम की तलाश कर रहा था। अच्छा, मेरा थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक बचपन से रहा है, खासतौर से पढ़ने का, क्योंकि मेरे नाना जी की किताबों की दुकान हुआ करती थी। तो हम लोग जब जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो हम लोग का काम ही था कि उनके उसमें घुस करके बस किताबें पढ़ना। तो मुझे उन्होंने कहा, तुम करोगे, 1000 रुपया महीना मिलेगा इस काम को करने का। तो मैंने कहा चलो बिल्कुल करेंगे। 1000 रुपये में था कि अपनी फ्रीलांसिंग चलेगी अच्छे से, दिन भर बैठ के लाइब्रेरी में काम करिए और शाम के वक्त अपना प्ले की रिहर्सल करिए, शो करिए। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और इनफैक्ट जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे भी ठीक ढंग से मालूम नहीं था, तो उसमें मेरे को कीर्ति जी ने थोड़ा गाइड भी किया कि कैसे इसको करना है। और अभी तक मुझे पता नहीं, अभी तक वो जो मैंने बनाया था बिब्लियोग्राफी का रजिस्टर, जिसमें कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, वो NSD लाइब्रेरी में रखा हुआ था, यानी कि कुछ साल पहले तक तो रखा ही हुआ था। और उसकी जो लाइब्रेरियन थी मनोरमा जी, रिटायर हो गई, वो कहती थी कि सर अभी भी हम लोग कई बार इसको रेफर करते हैं, कभी कोई आ जाता है कि हमको इसके बारे में कुछ मैटर चाहिए है, तो अगर हम लोग को नहीं मिल रहा तो फिर इस रजिस्टर को रेफर करते हैं कि अच्छा इनके बारे में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। क्या तो बात यहां है, से मेरा थोड़ा बहुत यानी कि मजा आया मुझे इस काम को करने में। सिर्फ इन्हीं तक कि पैसे मिले, काम करने में भी मजा आया, काफी कुछ पढ़ने को मिला, कई चीजें वो जो शायद मैंने वैसे नहीं पढ़ी होती तो इस बहाने से भी पढ़ने को मिली। और एक चीज महसूस हुई कि हम भारतीयों की ये दिक्कत है, समस्या है, कि हमारा हिस्ट्री का सेंस बड़ा वीक है। हम अपनी चीजों को संभाल के रखते नहीं है। जो अपने प्ले के फोटोग्राफ्स होगी उसको नहीं संभाल कर रखेंगे, जो रिव्यूज होंगे उनको संभाल कर नहीं रखेंगे, स्क्रिप्ट्स को संभाल कर नहीं रखेंगे, तो चीजें बिखर जाती हैं। तो इस लिहाज से मुझे अच्छा कुछ कुछ ऐसा काम, फिर मुझे बाद में NSD में भी उन्होंने एक बार कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप, मैं पहले भी काम किया हुआ इस तरह का, और हमें ऐसे किसी इंसान की जरूरत है, ऐसे शख्स की जरूरत है जो, क्योंकि हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, कई बार जरूरतें होती है, कई बार स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो अगर आप आना चाहें और आपकी फ्रीलांसिंग यहाँ पे काम करते हुए भी जारी रहेगी, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें नेकी और पूछ पूछ वाली जो बात है, तो मैंने करना शुरू कर दिया। मैं करता रहता हूँ, कई चीजें की हैं हम लोगों ने। प्रतिभा अग्रवाल है, बहुत सीनियर थिएटर की है, उनके साथ मिलके भारतीय रंग कोष के दो जी, तीन निकाले हुए हैं। फ्रीलांसिंग का जी एक हिस्सा था कि मैंने आपके लिए जो है एक रेडियो प्ले की, एक रेडियो सीरीज की भी स्क्रिप्टिंग की थी। पद्म सचदेव जी का था नॉवल, नौशीन, हाँ, नौशीन, पद्म सचदेव, हाँ पद्म और सचदेव वो भी जी का था। मेरे, यानी कि वो मैंने जिंदगी में कभी रेडियो के लिए काम नहीं किया था। काजल थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे मौका दिया, तो मैंने सर रेडियो के प्रिविलेज सर प्लीज प्रिविलेज प्रिविलेज टू हैव लिए यू भी लिखने का मौका मिला। एक वो भी एक अपने सर। आप एक आपने अलग इतना अनुभव था। खूबसूरत लिखा तभी उसकी खूबसूरत प्रोडक्शन हुई है, और सुचित्रा जी ने उसमें मेन शुक्रिया रोल किया था। शुक्रिया, तारीफ का। सुचित्रा जी सुचित्रा जी ने ने तो, सुचित्रा जी तो बहुत मेन रोल किए हुए हैं और नीरज सर स्टेज भी पे, थे, बहुत मेन रोल किए। हाँ, नीरज, नीरज सर भी ये लोग थे। तो कमाल के एक्टर्स हैं। तो वाकई वाकई जी सर, ये कुछ चीजें हैं जी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी। जी जी सर और मैं फिर अभी सर नौरीन कह रही कि उसकी स्क्रिप्ट खो गई, कि भैया जो भी लोग हैं, जो लोग जुड़े हुए, जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए। अब तो खैर आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो चीजों को आप सहेज सकते हैं। और वो वाकई हम लोग के लिए नहीं, जो आज से 50-100 साल बाद लोग जो काम करने आएंगे उनके लिए बहुत जरूरी चीज है वो धरोहर, वाकई वो उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। निरुपमा जी लिखते हैं बिग कंट्रीब्यूशन टू प्रिजर्व द हिस्ट्री। वाकई दैनिक जागरण गोरखपुर से वो लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, आपको मूवीज में देखना सुखद रहा है लेकिन आप बहुत इंतजार करवाते हैं, क्या कहेंगे सर? ये मेरे साले साहब हैं जो दैनिक जागरण गोरखपुर में काम करते हैं, प्रवीण कुमार जी, वहां पे वो जनरल मैनेजर हैं दैनिक जागरण के, तो जी वो जी ही लिख रहे होंगे। भाई देखो, ऐसा है दैनिक जागरण साहब,
कि जब मुझे कोई मौका काम देगा, रोल देगा अपनी मूवी में, तभी तो मैं करूंगा। अब लोग देते ही नहीं है। अब चाहिए कि दैनिक जागरण वाले कुछ फिल्में बनाना शुरू करें और उसमें मुझे हर एक फिल्म में लीड रोल मिले। सर, आपने जहाँ लेजेंडरी इंडस्ट्री में लेजेंडरी आपके गुरु रहे थे, लोगों के साथ आपने काम किया जो लेजेंडरी, उसी तरह सिनेमा में गोविंद निहलानी, बासु चटर्जी, रिचर्ड एटनबरो, प्रियदर्शन जैसे लोगों के साथ, ऐसे लेजेंडरी लोग निर्देशकों के साथ आपने काम किया, इतने लेजेंडरी डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, जो अपने आप एक एक्सपीरियंस, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, एक तो खैर मैं अपने आप को इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली, लकी मानता हूँ कि हाँ, मुझे कई बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जी और वासुदा जो है बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे और कमाल के इंसान थे। और हम लोगों ने एक नाटक किया था, अभी मेरे ख्याल से किसी ने उसके बारे में लिखा भी था, इसे मोमबत्ती वो जादू में एक जी रुका सर हुआ फैसला प्ले जी किया जी था हम लोगों ने। रंजीत कपूर जी ने ही उसको जी डायरेक्ट किया था। तो उसके ऊपर फिर हुआ था कि वासुदा ने फिल्म बनाई थी, जी और वो जो जो प्ले के एक्टर्स थे, यानी कि रंजीत कपूर जी की दो शर्तें थीं कि वो उसी आदमी को परमिशन देंगे इसकी फिल्म बनाने के लिए। एक तो वो जो एक्टर्स प्ले में है उन्हीं एक्टर्स को लेगा, और जी दूसरे कि वो डायरेक्ट करेंगे रंजीत कपूर जी। तो यश चोपड़ा जी भी इंटरेस्टेड थे बनाने में फिल्म, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आप चाहते कि इन्हीं एक्टर्स को जिनको कोई जानता नहीं है, तब यानी कि पंकज कपूर, अन्नू कपूर ये सब थे, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं था। एस एम जहीर थे, बहुत लोग थे, अजीज भाई थे, लेकिन उस जमाने में सब लोग अपना दिल्ली में थिएटर कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो बोले कि इनको लेके और आप डायरेक्ट करेंगे, तो मैं तो जो है सेलुलाइट पे सिनेमा पे नहीं बनाऊंगा, अभी वीडियो टेक्नोलॉजी आ रही है उस पे बनाऊंगा बाद में जब कभी थोड़ा सा वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और भी एक दो लोग थे। वासुदा ने कहा कि मैं इन्हीं एक्टर्स को लेके फिल्म बनाऊंगा, लेकिन रंजीत तुम्हारे पास अभी फिल्म को डायरेक्ट करने का तजुर्बा नहीं है, तो तुम मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हो, सीखो फिल्म बनाना और रहो साथ में काम करो। तो इस पे जो है फिर ये सिलसिला फिल्म बनी। अच्छा, वासुदा बहुत कंजूस आदमी थे, बहुत मुश्किल से पैसे निकालने वाले, तो उन्होंने जो है जो भी पैसा रकम तय हुई थी, 5,000 रुपये तय हुआ था हर एक एक्टर को दिया जाएगा, तो वो उसमें था कि 4,000 रुपये तो हम लोग को पहले और एडवांस और शूटिंग के दौरान मिल जाएंगे, 1,000 रुपया हमारा बचा रहेगा जो डबिंग करने के वक्त मिलेगा। और यह था कि वो आप हमको जो है राजधानी, उस जमाने में राजधानी में सिर्फ चेयर कार होती थी, जी तो राजधानी में चेयर कार का टिकट देंगे दिल्ली से बॉम्बे का और बॉम्बे से दिल्ली का। तो हम लोग खैर चले गए, अभी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, ट्रेन में बैठ के चले गए। वहां पे उन्होंने जहां शूटिंग कर रहे थे उसी में ऊपर एक कमरे में ठहराया हम लोगों को, पूरा एक ही कमरे का नाटक है वो, एक ही कमरे में शूटिंग हुआ, शूटिंग हुई बॉम्बे में, जुहू में। अच्छा, सबको डायलॉग याद थे, सारा रोल तैयार था, तो जो शूटिंग उन्होंने प्लान की थी कि चलेगी 25-26 दिन, वो शायद 18-19 दिन में शूटिंग खत्म हो गई फिल्म की। जी अब हुआ कि भाई हम यानी कि हम लोग चार एक्टर थे बचे थे, कुछ लोग बॉम्बे में रुक गए, कुछ लोग कहीं पे चले गए, तो हम चार लोगों का हुआ कि हम चार लोगों का टिकट उनको कराना है ट्रेन का और वापस दिल्ली भेजना है। तो मालूम चला कि राजधानी में उन्होंने हम लोग को वेटिंग टिकट करवा के दे दिया। तो वहां की टिकट है जाओ, तो मैं कहा भाई हम नहीं जाएंगे, ये वेटिंग लिस्ट में है टिकट, और ये भी नहीं कि 1, 2, 3, 4 हो, कुछ पता नहीं 60, 70, 80 ऐसा कुछ नंबर था। तो इसमें जो है ये हमको कि उसने बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, पैसे दे के 100 रुपये दे देना उसको। वो हमने कहा मान लीजिए नहीं किया, उसने हमें उतार दिया, तो ट्रेन भी ऐसी कि हर जगह रुकती नहीं, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, सूरत पे या बड़ौदा पे, कहाँ रुकेगी, हमको उतार दिया और हम जो है क्या करेंगे, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, या तो हमको आप बायर भेजिए। अब उस जी पर बड़ी बहस, शायद मेरे ख्याल से राजधानी का किराया उस वक्त 235 से 250 रुपया होता था जी 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 और फ्लाइट का टिकट था 650 रुपया
बॉम्बे से दिल्ली का, 1,000 रुपये हमारे को उनसे अभी लेने थे। वो बोले एक काम करो कि इसमें जो है ये 650 रुपया हो रहा है, तो 250 रुपया मैं दे दूंगा जो टिकट का ट्रेन का उनका था हिस्सा, और बाकी जो 400 रुपया है वो तुम लोग कंट्रीब्यूट करो। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें 250 रुपया हम दे देंगे और 400 रुपया आप मिलाइए, वो 250 भी अभी नहीं देंगे हम, जो हमारा बचा हुआ पेमेंट है 1,000 रुपया उसमें से आप एडजस्ट करिएगा, काटिएगा और हमको आप जो है ये टिकट करा के दीजिए। तो खैर करा दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब डबिंग के लिए गए, मैं और मेरा बैचमेट था सुभाष उद्गाता, हम दोनों गए डबिंग करने के लिए बॉम्बे। डबिंग हुई, अच्छा वासुदेव कहीं जाना था वो चले गए, हम लोग को शुरू करा के डबिंग और बॉम्बे से बाहर चले गए, मेरठ आ गए थे वो। तो उनका जो असिस्टेंट था उसने हमको 1,000 1,000 रुपए का चेक दे दिया, तो हम बड़े खुश कि यार हमारे जो है पैसे वो 250 रुपए नहीं कटे और हमारे 1,000 रुपए पूरे मिल गए, हम बड़े खुश वापस आ गए। कट टू 6 7 8 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, वासुदा मुझे श्रीराम सेंटर में बुक शॉप होती थी वहां मिल गए। वो एक सीरियल की शूटिंग करने आए थे, मुझे भी उन्होंने उसमें फिर एक रोल करवाया था, दिल्ली में शूट किया था। तो बात होने लगी तो मैंने कहा, बोले पेमेंट वेमेंट सब हो गई थी? मैंने कहा दादा पेमेंट हो गई थी और थैंक यू वेरी मच, आपने वो पैसे नहीं काटे। अरे वो रह गया, अभी तो तुम्हें कोई अगला काम देना होगा, उसमें वो पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग, यानी कि गोविंद जी के साथ काम करने का अपना अलग अनुभव था, उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं। प्रियदर्शन जी के साथ मैंने पहली बार जिंदगी में एक कॉमर्शियल सिनेमा के सेटअप में काम किया, तो उसका भी उनका काम करने का तरीका बड़ा लाजवाब है, जिस तरीके से वो सीन को शूट करते हैं वैसा मैंने किसी को करते नहीं देखा। तो हर एक के साथ काम करने मजा आता है। रिचर्ड एटनबरो का नाम है, मैं तो बहुत ही छोटे से रोल में था उस फिल्म में, तो उनसे मुलाकात जरूर हुई थी कास्टिंग से पहले 2 3 बार, लेकिन बाकी तो शूटिंग के दौरान तो हम लोग एक तरह से क्राउड सीन का हिस्सा थे उस फिल्म में, पर मजा था। वो भी अपने आप का अनुभव था, गांधी में काम करना भी अपना एक अनुभव था, बहुत दिलचस्प अनुभव था। वाकई सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, और जैसे आपने बात की फोटोग्राफ्स की और जो चीजें वो लिखती हैं, मेरे पास ना कोई फोटो है ना कोई स्क्रिप्ट, सुचित्रा जी लिखती हैं। रितु तिवारी जी हमारे से जुड़ी हैं, प्रतिमा जी लिखती हैं बॉबी भाई आप बिल्कुल नहीं बदले, ऐसे वैसे ही हैं जैसे आप थे। सुचित्रा जी लिखती हैं आई हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉबी जी इन इप्टा प्ले। निशित सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। निरुपमा जी लिखती हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल ऐसे ही ऑनेस्ट रहिएगा, बिल्कुल मत बदलिएगा। भारती रैना जी लिखती हैं कि बहुत ही हसीन यादें हैं। नोरीन जी लिखती हैं सुभाष जी के साथ एक प्ले भी किया था। अशोक भांतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कि बहुत बहुत नमस्कार, स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे। नमस्ते अशोक। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी लिखती है काई पोची बहुत सच अ नाइस मूवी ऑफ योर्स बॉबी भाई। और थैंक यू किरण। नरेंद्र जी लिखते हैं बहुत ऑनेस्ट हैं बॉबी भाई आप। मेरे पास दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो एक आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जब आपको मिला तो कैसा अनुभव रहा, क्योंकि अपने आप एक बहुत बड़ा अवार्ड। देखो, यानी कि जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है जी तो खुशी तो होती है, जी और यानी कि वो भी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, जो कि एक तरीके से हमारे फील्ड का सबसे हाईएस्ट जी अवार्ड है। जी तो यानी कि उसकी जो मेरे ख्याल से भाई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये भी लगा कि पता नहीं मैं इसको अवार्ड को डिजर्व करता हूं भी कि नहीं करता हूं, ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत मिल गया, कई तरह के सवाल उठे। लेकिन यानी कि मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है जो आपको, जो ऑडियंस की, जब आपको क्लैपिंग मिलती है उसके यस सामने ये सारे अवार्ड जो यस हैं फिर वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि असली अवार्ड वो होता है जब आपको ऑडियंस का एप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो हंसी लाफ्टर के द्वारा मिले, तालियों के द्वारा मिले, या
या कई बार ये मेरा, मैं यानी कि इस बात को शेयर करना चाहूंगा, तो मैं दो बातें शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल एक तो पहले मैं नॉरिन की बात कर लूं, कि उसने कुछ सुभाष उद्गाता के बारे में कहा। सुभाष उद्गाता हमारा बैचमेट था, उड़ीसा से था, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत कमाल का व्यक्ति था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई। तो वो एक अफसोस। एक और हमारे ज्ञान शिवपुरी हमारे बैचमेट थे, उनका भी ऐसे ही इंतकाल हुआ, तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। हम लोगों ने एक प्ले किया था, एक घोड़ा छह सवार, और उसमें सुभाष उद्गाता बनता था एक कैमरामैन, और वो सरदार बन जाता था। उसने दो तीन रोल किए थे शायद उस प्ले में, तो उस रोल के लिए वो पगड़ी वगैरह, दाढ़ी थी उसके, तो पगड़ी बांध करके सरदार बन जाता था। और नौरीन से मेरी मुलाकात पहली बार उसी नाटक में मेरे ख्याल से हुई है, और ये एक जर्नलिस्ट का रोल करती थी नौरीन उस प्ले में। तो वो जो है, क्या कहते हैं, मुझे ध्यान आया कि उसने कहा था सुभाष के बारे में, तो मुझे याद आया कि अपने इन दोस्तों को भी याद करना चाहिए जो हमारे साथ थे, और जिनका शायद उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जिंदगी में, जो हमने काम किया, जो सीखा है। मैं जो एक बात करना चाहता था काजल, वो ये कि मेरा अपना अनुभव है कि हम जब परफॉर्म कर रहे होते स्टेज पे, नाटक में ऑडियंस सामने बैठी होती है, कई बार ऑडियंस कुछ नहीं कर रही होती है, वो खामोश बैठी होती है, लेकिन आपको अपने आप लगता है कि वो आपके साथ है। कुछ ऐसा वो एक तार जोड़ता है ऑडियंस के साथ, वो कमाल का एक संबंध होता है एक अभिनेता का, एक अपने और दर्शकों के साथ, ऑडियंस के साथ में, कि अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, वो हंस नहीं रहे हैं, वो ताली नहीं बजा रहे हैं, वो चुपचाप बैठे देख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ है कि नहीं है, ये आपको बतौर एक्टर उस वक्त महसूस हो जाता है। और ये जो चीज है, ये यही जादू है थिएटर का, यही आनंद, यही मजा है, यही अवार्ड है जो कि आपको मिलता है। वाकई वाकई और मैं ये एक सवाल बताने जी थोड़ी ज्यादा था, अब वो कि खैर जी उसका एक जो अनुभव था SNA अवार्ड का, वो था कि प्रेसिडेंट हाउस में जाकर के जिस तरीके से अवार्ड दिया जाता है, वो सेरेमनी अपने आप में आपको एक बहुत कुछ हम्बल आलोक बनाती है, और बहुत कुछ आलोकिक अच्छा लगता है। वाला एटमॉस्फेयर हाँ, बहुत आलोकिक रहता है वहां पे गलत रहता है। जी सर। जितने भी न्यू कमर्स या न्यू जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, जो इस शो को देखेंगे या देख रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे कि उनके सामने आज के दौर में रंगमंच को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं, और आप उनको अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे, चलते चलते एक लास्ट देखो, सवाल। पहली बात तो ये है कि यानी कि इस वक्त जो रंगमंच में चुनौती है, वो तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, जिससे कि मुझे पता नहीं कितना वक्त लगेगा वापस चीजों को नॉर्मल होने में। लेकिन जो चीज, जो बात है, कैसे मुझे उस दिन अवतार सहनी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था जो उन्होंने कहा था कि पेशेंस वाली बात की थी। पेशेंस के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको एक ईमानदार होना बहुत जरूरी है, कि आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, और अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, तो उसका आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, तब वो अवतार की पेशेंस वाली बात आ जाती है। तो लेकिन उसमें बीच बीच में डॉली का मुझे दिखाई देता, कुछ बोलने का मन कर रहा था, लेकिन तो ये जो चीज है कि आपको आजकल वैसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे नए ऑप्शंस थिएटर में, हम लोग के समय से अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब हम लोग के समय में उस तरीके से, जिस तरह से आजकल ग्रुप्स को रेपेट्री ग्रांट मिलती है, प्रोडक्शन जी ग्रांट मिलती है, ये सब नहीं मिलता था। आपको कहीं से खुद ही पैसों का इंतजाम करना पड़ता था, पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था, और उसके बाद आप काम करते थे, और NSD से करने के बाद भी हम लोग यही करते रहे। तो उससे स्थितियां बहुत बदली है, पर कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग आना चाहते हैं थिएटर में, काम करना चाहते हैं। तो एक तो आप कोशिश करिए कि जहां भी आप, जिस भी शहर में हैं, जहां पर भी हैं, जो भी थिएटर ग्रुप, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए, उनके साथ काम करिए, और सीखने की इच्छा के साथ जुड़िए।
इस इच्छा से मत जुड़िए कि मैं जाते ही वहां पे मैं एकदम से स्टार बन जाऊंगा, मुझे रोल मिलने लग जाएंगे। नहीं, स्ट्रगल है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और सीखना तो ऐसा है कि वो ता जिंदगी चलता है, तो सीखते रहना ही होता है। अभी भी हम सीख रहे हैं, तो सीखने की चर्चा जाइए। मैंने कहा ईमानदारी के साथ काम करिए, मेहनत से काम करिए, और थिएटर को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन मत समझिए कि इसका इस्तेमाल करके हमें टेलीविजन या सिनेमा या कहीं और चले जाना है। उसके साथ सिंसियर रहिए, ये एक बहुत जरूरी चीज है। वाकई वाकई डॉली जी ने लिखा है कि आई फील वी ऑल विद आवर एक्सपीरियंसेस आवर थिएटरल जर्नी हैज मेड अस व्हाट वी आर टुडे. आई एग्री विद डॉली 100% कि हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो हमारी थिएटर जर्नी का ही हिस्सा। मैं इसमें डॉली एक बात और ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ थिएटर जर्नी के साथ साथ तुम नूतन, गोपी, ज्ञान, युवराज, सुभाष, अन्नू, पता नहीं कितने सारे नाम है, तारिक हमारा बांग्लादेश से बैचमेट, बहुत हमारा जो यानी कि जो बैचमेट थे, और वाकई में हमारा वीके शर्मा, हमारा बैच, यानी कितने नाम गिनाऊं, 28 लोगों का एडमिशन हुआ था और 24 लोगों ने पास किया था 3 साल बाद, और सब एक से एक कमाल लोग थे हमारे बैच के। और हम लोग के आपस में झगड़े भी बहुत हुए हैं, बहसें भी बहुत होती थी, लेकिन उतना ही एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम सबने एक साथ सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और सिर्फ थिएटर में ही नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और मैं एक बात, यानी कि जो वो जो 3 साल होते हैं आपके एनएसडी के, वो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं, वो शायद गोल्डन पीरियड होता है जी लाइफ का। बिल्कुल. राजेश श्रीवास्तव जी लिखते हैं, वीरू हाँ राजू भैया, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, राजेश श्रीवास्तव। वीरू जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन मेरा बैचमेट नहीं है, वो मुझसे जूनियर था, उससे भी सीखा है। ऐसा नहीं कि वीरू अगर जूनियर था तो उसे नहीं सीखा है, पर वो जो है हमारे बैच में नहीं था, वो मीपम के बैच का है। मीपम और वीरू एक बैच के हैं, और भी जी लोग हो सकते हैं, अशोक बाठिया भी मेरे ख्याल था, अशोक बाठिया भी उसी बैच का है, अशोक जी बाठिया, मीपम, वीरू, वामन केंद्रे, ये लोग एक ही बैच के हैं। जी निरुपमा जी लिखती है, नेवर से डाई से डाई शुड बी द मंत्रा. वेरी ट्रू वेरी ट्रू. वेरी ट्रू, वेरी, आई एग्री। डॉली जी का एक और, डॉली मैम का एक और स्क्रीन पे आप प्लीज देख लें. जेम इयर्स ऑफ हर लाइफ, 3 इयर्स ऑफ एनएसडी. आई एग्री, कमाल कमाल के साल थे वो, जी जब खत्म हो रहे थे बड़ा दुख रहता कि क्यों खत्म हो रहे हैं 3 साल ये। हाँ हाँ वाकई सर, इतनी एनरिचिंग आपके साथ जो चर्चा रही, बातचीत रही, वाकई मजा आ गया और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया. और जितने भी एसटीम व्यूअर्स जुड़े हैं अच्छा हमारे साथ, तहे दिल से सर, 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला सर. इट वाज सो, मतलब बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में, और आपने जो इतना अच्छा गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर मैं आपका. बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रिविलेज टू हैव यू हियर. बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू काजल, और मुझे तुम्हारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा पसंद है। ये तो होता कि अक्सर आप अकेले बोल रहे होते हैं जो बड़ा अजीब सा हो जाता है, यहाँ पे तुम साथ में हो तो बातें करने का एक जो संवाद बना, डायलॉग बना, उसका मतलब था थैंक यू वेरी मच, थैंक और यू। सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात हमारे साथ वो एस्टीम व्यूअर्स जुड़ते हैं, उनसे और मजा आ जाता है, क्योंकि हम थिएटर वाले लोगों को तो बिल्कुल, दर्शक चाहिए दर्शक चाहिए हैं, बिल्कुल, ही और वो दर्शक चाहिए, अगर आपके अपने ऑडियंस लोग हो, आपके दोस्त हो, तो चाहिए. आपके है ना, तो मजा आता है। और सर नॉरिंग जी लिखती है, कॉन्टिन्यू इफ पॉसिबल. मैं चाहूंगी अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहिए. यानी कि कहने को तो बहुत कुछ है, अभी नौरीन के साथ मुझे उसका पति मनोज दिखाई दे रहा है, तो मैंने उस शायद तुम्हारे प्रोग्राम में उस दिन मनोज बता हमारे रहा शो था में कि आते वो हैं थे, बहुत बेहतरीन भारत बेहतरीन कलाकार, गाना बेहतरीन गाते कलाकार, हुए बेहतरीन गाना सिंगर. सीखा था, तो हमें मुझे पता नहीं था। यानी कि इस तरह के प्रोग्राम का ये भी फायदा कि कई लोग जो आपके साथ जिन्होंने आपने काम किया है उनके साथ में, उनकी क्या जर्नी रही थी, कैसे वो थिएटर में आए, किस तरीके से पहुंचे, क्या उनके ड्रीम्स थे या क्या वो चाहते, तो क्या, तो वो अपने आप में एक कमाल का एक ये इस फॉर्म जो ये भी जो हमारा ये माध्यम है जो इस तरह का जो बन गया है चैनल, उससे जो जी पता चलता है, और मनोज कमाल का एक्टर है, बहुत अच्छा गाता है, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं जी है, बिल्कुल तो बिल्कुल
अब लेकिन नौरीन ऐसे तो बातें तो करने को क्या करते रहे, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी यादें हैं, पूरी रात बिताई जा सकती अनिल है। टिक्कू हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, बेहतरीन कलाकार हैं और संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं इंगर्स जम्मू से। निशी सिंह जी लिखती हैं कि अमिताभ जी जैसी शख्सियत से रूबरू करवाने के। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई निशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे सर को कहा कि हमें तो सिर्फ ऑडियंस चाहिए, और सर ने कहा कि जब ऑडियंस अपने दोस्त तो बात करने का मजा ही कुछ और होता है। नूतन जी लिखती हैं आपके लिए कि बहुत सार्थक वार्ता। नोरीन जी लिखती हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर फाइनली मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और सच में मुझे बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, बहुत मुझे भी अच्छा मजा आया, लगा। बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर, गुड नाइट, बाय बाय सबको, सारे दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू सर, एंजॉयड। थैंक यू। हमारे से जितने भी एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़े और हमारी हौसला अफजाई की। तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का अगला अंक 25 तारीख होगा, यानी क्रिसमस वाले दिन होगा। कल और परसों हम 2 दिन नहीं करेंगे शो, हम डायरेक्ट 25 को क्रिसमस वाले दिन करेंगे। उस दिन हमारे साथ जुड़ेंगे अनूप उपाध्याय जी, जिनको आज आजकल आप चर्चित तो सीरियल है भाभी जी घर पर है में चाचा जी के करेक्टर में देख रहे हैं, लेकिन उनका रंगमंच से भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हम लोग और उस दिन 25 तारीख को चूंकि क्रिसमस है, तो उस दिन हम रात को 9 बजे मिलेंगे। शख्सियत के संग में रहिएगा हमारे साथ 25 तारीख को। और मैं फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी एस्टीम व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 25 तारीख को रात को 9 बजे, और हमारे साथ होंगे अनूप उपाध्याय जी, और एक बार फिर से उनकी जिंदगी, उनकी कला से जुड़ी जो जिंदगी है, कला का क्षेत्र का जो उनका सफर है, उनसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चलते चलते मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और स्टे पॉजिटिव, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड पॉजिटिविटी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार और शुभ रात्रि।